पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए कारोबार का सशक्त प्लेटफॉर्म ऑटम 2021 एक बार फिर उम्मीदों के साथ जगमगा उठा है। एक्सपोर्ट के मेलों पर कोरोना महामारी के चलते दो साल से छाया सन्नाटा टूट गया। गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पर भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 52वें संस्करण की भव्य शुरुआत हुई। ऑटम 2021 के आगाज के साथ ही हस्तशिल्प के निर्यातकों की कारोबारी उम्मीदें रोशन हो उठी हैं। मुरादाबाद के साथ ही देश के कई शहरों से हस्तशिल्प के खूबसूरत और आकर्षक उत्पादों की लंबी रेंज के साथ स्टॉल प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑटम फेयर 2021 का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने किया। शुभारंभ दीप प्रज्वलन के बाद सभी साथियों ने मेले की डायरेक्टरी का विमोचन किया। इस मौके पर कपड़ा मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह, हस्तशिल्प विकास आयुक्त शांत मनु, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, परिषद के चेयरमैन राजकुमार मल्होत्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के वर्मा, फिल्म अभिनेता गगन मलिक समेत कई अतिथि मौजूद रहे। देखिए, कोविड के बाद ये पहला हमारा फिजिकल फेयर है और इसमें हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जिस तरह से हमारे पास बायर आए हैं और एग्जीब्यूटर्स कम हैं। हमारे पास बायर की तादाद ज़्यादा है और जो भी बायर हैं वो सब सीरियस हैं, क्योंकि वो इतनी परेशानी से इतने सब एयरपोर्ट की परेशानी, वैसे वीज़ा की परेशानी, वो जो यहाँ पर इंडिया के अंदर आए हैं तो वो सीरियस बायर है, वो परचेजिंग कर रहा है। तो अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन, कुछ आंकड़े आए हैं? देखिए, रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, होटल के रजिस्ट्रेशन तो हम बता सकते हैं कि 730 अब तक हमारे होटल के रूम उठ चुके हैं रात तक, और आज भी कई फ्लाइटें आ रही हैं। उम्मीद है कि हमारे जो है तादाद ये 900 बायर के करीब पहुँचने की उम्मीद है। जो लास्ट फेयर लगी थी उस वक्त क्या मानते, कितने का व्यापार हुआ था और इस बार कितनी उम्मीद है, कुछ आंकड़े इस तरह के? देखिए, पिछली बार जो व्यापार हुआ था वो एट द स्पॉट जो था, हमें करीब तकरीबन 1500 करोड़ के ऑर्डर मिले थे और हमारा 7000 करोड़ का टारगेट था। उसके बाद हमारा तो टारगेट था कोरोना पीरियड में और बढ़ गया, एक्सपोर्ट कोरोना पीरियड में 1.5% से अधिक बढ़ा है और इस बार उम्मीद है कि हमारा जितने पूरे एग्जीबिशन में हमारा ऑर्डर मिलते थे वो हमारे इस छोटे एग्जीबिशन में जो 8 हॉल के अंदर हो रहा है उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।